दोस्तों, क्या हरियाणा में राहुल गांधी के चुनावी रैली से पहले ही बीजेपी छटपटा गई है, घबरा गई है, उसका कॉन्फिडेंस हिल चुका है इतना कि 9.5 साल जिस शख्स ने हरियाणा में सरकार चलाई, वो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर एक युवक को अपनी सभा से उठाकर बाहर फेंकवा देते हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। 12:30 बजे के आसपास हरियाणा के करनाल से आज राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हरियाणा चुनाव के बाद से राहुल गांधी की यह पहली रैली है और प्रधानमंत्री मोदी अब तक 2 रैलियां कर चुके हैं। दोनों रैलियां उनकी फ्लॉप साबित हुई। पहली रैली में 10,000 लोग भी नहीं जुट पाए और दूसरी रैली में मुश्किल से बता रहे हैं लोग कि 10,000 लोग ही जुटे, कुर्सियां ही 12,000 लगी थी। लेकिन आज 12:30 बजे राहुल गांधी की रैली है करनाल में, तो देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की इस रैली में कितनी भीड़ जुटती है। लेकिन इस बीच मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया में बीजेपी का असली चेहरा दिखा रहा है हरियाणा के लोगों को। हिसार में मनोहर लाल खट्टर एक धर्मशाला में कार्यक्रम कर रहे थे। अजीब बात यह है, जिस शख्स ने 9.5 साल सरकार चलाई उसको धर्मशाला में बैठ के लोगों को संबोधित करना पड़ रहा है। वैसे तो मनोहर लाल खट्टर के लिए यही शर्म की बात है, लेकिन खट्टर साहब बता रहे थे लोगों को कि भाजपा की सरकार अगर बनती है, और पिछली बार भी जब बनी थी तो हिसार का क्या योगदान है। उसी बीच एक शख्स वहां पर खड़ा होता है, एक युवा खड़ा होता है, और वो कहता है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी लेकिन हिसार में आपका विधायक नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही ये बात खट्टर साहब सुनते हैं भिदक जाते हैं, भड़क जाते हैं और उसके बाद धमकाने लगते हैं उस शख्स को और बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसको बाहर निकालो। आप तो जिताऊं मैं, पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी, अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। सोचिए दोस्तों, ये आदमी जिसने 9.5 साल हरियाणा में सरकार चलाई, पब्लिक हैंडलिंग मनोहर लाल खट्टर की कितनी खराब है, क्या बोल दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया इस युवक ने ये बोल के कि आपका विधायक नहीं जीतेगा। अरे हो सकता है किसी के अंदर कोई गुस्सा है, लेकिन आप सार्वजनिक मंच पर जब लोगों के आगे किसी को बाहर फेंकवा सकते हैं सिर्फ इसीलिए कि उसने कह दिया कि आपका विधायक नहीं जीतेगा, सरकार तो आप ही की बन रही है, इतना तो उसने कहा ही ना। लेकिन मतलब सोचिए, मनोहर लाल खट्टर ये हैंडल नहीं कर पाए और एक तानाशाह की तरह उसको बाहर फेंकवा दिया सारे लोगों के सामने, पब्लिक के आगे। अगर मनोहर लाल खट्टर ऐसे पब्लिक हैंडलिंग करते हैं, लोगों से ऐसे बात करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं अपने वोटर से जो उनकी बात सुनने के लिए आया है, तो आप सोचिए अकेले में बंद कमरे में किस तरह का व्यवहार करते होंगे और किस तरह की इन्होंने सरकार चलाई होगी। यही हालत है हरियाणा में दोस्तों बीजेपी की। इसीलिए बीजेपी की आज ये स्थिति है कि वो 20 पार भी कर ले तो बड़ी बात है। एक ऐसे शख्स ने 9.5 साल हरियाणा की सरकार चलाई है जो अपने सामने एक आदमी के खड़े होकर ये नहीं सुन सकता कि आपका विधायक इस इलाके से नहीं जीतेगा, सरकार तो आप ही की बनेगी। मनोहर लाल खट्टर उसे इग्नोर कर सकते थे, उसकी बात हवा में उड़ा सकते थे या फिर उसकी बात को जवाब दे सकते थे, लेकिन सबके आगे उन्होंने जिस तरह से उसको बाहर निकाला, ये इस बात का प्रमाण है कि उनका बात करने का तरीका बहुत गलत है और वो अपने आप को राजा से कम नहीं मानते हैं। तो ये सब कुछ तब हो रहा है जब हरियाणा में बीजेपी की हालत यह है कि गांव में बीजेपी का उम्मीदवार घुसने लायक नहीं है, लोग उसे भगा रहे हैं, मोदी जी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। और आज सोचिए, ये सब कुछ तब हुआ है जब आज राहुल गांधी की हरियाणा में करनाल में रैली है। अब सब कुछ दोस्तों कंपेयर किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जो अपने आप को पता नहीं कहाँ का लीडर समझते हैं, बहुत बड़ा जननायक समझते हैं, उनको धर्मशाला में क्यों रैली करनी पड़ रही है भाई, धर्मशाला में लोगों को संबोधित क्यों करना पड़ा है, खुला ग्राउंड नहीं भर पाने का कॉन्फिडेंस है क्या उनको, मोदी जी जिनकी रैली में भीड़ नहीं जुट रही है और 12:30 बजे के बाद राहुल गांधी आने वाले हैं करनाल में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, जो मनोहर लाल खट्टर ने व्यवहार किया इस युवा के साथ, इसके पीछे की क्या वजह है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।